हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका है वाह व्लॉग्स में। शक्ल देख के पता चल रहा है कुछ। अरे यार, तबीयत खराब हो रही है, आज सुबह से हुई है। मतलब कल रात को तबीयत खराब होती जब पता चल जाता है ना अपन को, तो रात को थोड़ा लगने लग गया था। आज इतनी हालत खराब हो गई, सिर में दर्द हो रहा है, शरीर में ताकत नहीं है बिल्कुल भी। बुखार ऐसे लग रहा है, बुखार आने वाला है, कमर दुख रही है। तो भी जाएंगे अपन डॉक्टर की दवाई लेने, यहीं पर है मानसरोवर में। बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बाबू डॉक्टर, श्री राम नर्सिंग होम के नाम से। तो वहीं चलेंगे, बढ़िया दवाई देता है, एक दो खुराक में फ़ायदा आ जाता है। क्या पता अचानक से क्या हो गया, अचानक से ही हो गया, मतलब ताकत ही नहीं है शरीर में बिल्कुल भी। चलो चलते हैं फिर। बस अभी मंदिर जाकर आया हूँ, मतलब इतनी हालत ही नहीं, चलने की भी हालत नहीं है। बस अभी इंतजार कर रहा हूँ हमारे सोहन जी नाले, फिर सोहन जी और मैं जाऊँगा। तो वैसे आप देख सकते हैं काशू जी आज भी स्कूल नहीं गए। काशू स्कूल क्यों नहीं गया? आज सबकी छुट्टी है, मोहरम की। काहे की छुट्टी है, किसी की नहीं? मैंने भी कर ली। अच्छा, और स्कूल की छुट्टी है, तुम्हारी स्कूल की नहीं है, तो तूने भी छुट्टी कर ली। बहुत बढ़िया, देखो रूल से चलता है छोरा, बहुत अच्छा है। मतलब जिस दिन छुट्टी उस दिन छुट्टी करनी, चाहे ऐसे आए ना आए। बहुत बढ़िया का सोहन जी तो अभी ना ही नहीं, पता नहीं है कब नएंगे। तो मैं और उत्तम जा रहा हूँ लेने, दवाई लेने जा रहा हूँ मैं और उत्तम। ये देखो गाड़ी ले आया उत्तम। चलो चलते फिर। I promise not to break you, I promise I'll be all. तो गाइस हम पहुंच गए श्री राम नर्सिंग होम। देखो इस डॉक्टर कैसे लेंगे। तो भाई ये देखो, ये श्री राम नर्सिंग होम। मैंने दवाई तो ले ली है, 80 रुपये में देखो दवाई आ गई। 20 रुपये की पर्ची कटती है और 60 रुपये की मेरी दवाई आई है, तो 80 रुपये लगे मेरे। और ये क्या है, डॉक्टर भी बढ़िया है, बढ़िया दवाई देता है ये। तो अभी हम जा रहे घर, रवाना हो गए, घर जा रहे हैं। अब दवा खाना खा के दवाई लूंगा, फिर आराम करूंगा थोड़ी देर। फाइनली गाइस हम घर आ गए दवाई लेके। अब कुछ खा ले, फिर दवाई लेके सोएंगे, आराम करेंगे थोड़ी देर। हालत खराब हो रही, कमर में दर्द हो रहा है बहुत भयंकर। तो गाइस मैंने खाना खा लिया, भूख ही नहीं लग रही थी, जबरदस्ती एक रोटी खाया हूँ। क्या भूख ही नहीं लग रही, तबीयत खराब हो रही। अब दवाई ले लेते हैं, ये देखो तीन दवाइयाँ हैं। तीन दवाई लेके फिर आराम करूँगा, थोड़ी देर सोऊंगा। दवाई तो ले लिया, अब जा रहा हूँ मैं सोने, आराम करूँगा थोड़ी देर। पैर में भी दर्द हो रहा है, चला ही नहीं जा रहा ढंग से। चलो सोते हैं। तो गाइस सुबह दवाई लेके सो गया था मैं, 12:30-1 बजे सोया था, और अभी 5 बज रहे। अभी जस्ट अभी उठाई हूँ और बिल्कुल सही हूँ मैं। ये देखो इसे कहते दवाई, एक नंबर दवाई देता है वो डॉक्टर, बिल्कुल सही हो गया अब। तो गाइस मैं भी आया हूँ सोनोर के बेसमेंट में। ये देखो इन्होंने क्या क्या कर दिया, पूरा सेटअप चेंज कर दिया है। ये देखो फ्रिज साफ कर दिए इन्होंने, पहले बहुत गंदा हो रहा था, अब देखो बिल्कुल साफ हो गया। और ये दूसरा फ्रिज साफ कर ही रहा है। गंदा नहीं हो रहा था, बर्फ़ ज़्यादा जम गई थी, बर्फ़ जम जाती है जो पूरे ठंडी पड़ती है। देखो इसको सुबह बंद कर दीजिए, जिसलिए बर्फ़ अच्छी तरह उतर रही, नहीं तो उतर रही नहीं है। सुबह का बंद पड़ा है, फिर भी देखो बर्फ़ नहीं पिघली अभी तक। ये पूरा सेटअप पहले इस जगह रखा हुआ था, अब यहाँ से शिफ्ट करके इन्होंने इधर शिफ्ट कर दिया। क्यों? सही बात है। क्यों करा? क्योंकि हमको दिक्कत हो रही थी उधर थोड़ी। क्या दिक्कत हुई? उधर टच होती थी टेबल बार बार। अब सही है बिल्कुल। अभी मैं घर आ चुका हूँ, 7 बज रहे। आज क्या है, आज का वीडियो, आज का व्लॉग बड़ा नहीं है क्योंकि कहीं गया नहीं मैं घर पे था। तो अब खाना खाएंगे, फिर दवाई लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका वाह व्लॉग्स में। अभी बज रहे सुबह के 9, और सुबह के 9 बजे इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये देखो बाल गीले इसलिए है क्योंकि मैं अभी नहाया नहीं हूँ अभी तक। मैं जा रहा हूँ कटिंग कराने, अभी बाल इसलिए गीले क्योंकि शैम्पू कराऊँ ना, टाइट हो रहे थे बाल बिल्कुल। तो फाइनली अब कटिंग कराने जा रहे हैं आज। इतने दिनों से सोच रहा था आज जाएंगे, और आज इसलिए जा रहा हूँ, कल आ गई राखी, कल राखी है तो आज कटिंग करा के आते हैं जो सही लगेंगे बिल्कुल। अभी देखो दाढ़ी भी कितनी बड़ी हो गई। तो मैं और सोहन जी जा रहे हैं कटिंग कराने। सोहन तो करवा रखा है, सोहन तो नहीं करवाया। तो कटिंग करा के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस हम घर से निकल चुके हैं कटिंग कराने के लिए। ये देख सकते हो आप, सोहन जी और मैं जा रहे हैं कटिंग करा के आते हैं। जा रहे हैं यहाँ से, 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, कटिंग कराएंगे फिर वापस। ज्यादा भीड़ नहीं होगी क्योंकि 3-4 जने कटिंग करने वाले, कटिंग करा के आ जाएंगे डायरेक्ट, कहीं नहीं जाएंगे।
गाइस ये देखो ये रहा, आ गए हम पहुंच गए। ये देखो इधर कर, इधर कटाएंगे कटिंग, कटिंग करा के चलते हैं। ये भैया करेंगे अपनी कटिंग। फाइनली हमने कटिंग करा ली है, देखो इस बार थोड़े ज्यादा मास्टर पे कराऊंगा, इस बार थोड़े ज्यादा ही छोटे हो गए यार, सही नहीं लग रहा। मैंने थोड़े दिन पहले कटिंग कराई थी, देखो ज्यादा ही छोटे हो गए बाल। चलो कोई बात नहीं, सही है, वैसे ही मेरे को बड़े बाल अच्छे लगते। चलो कटिंग कराई ली, अब चलते हैं घर। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं कटिंग करा के, हम नहाएंगे। देखो बाकी कैसे बाल हो गए, कटिंग ही सही नहीं करा, छोटे कर दिया पूरे बाल। कोई नहाए तो 10 दिन में पूरे बड़े हो जाएंगे पहले के जैसे। चलो नहाएंगे अब, नहा धो के रेडी होते फिर मिलते हैं, बाय।